हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पेट की परीक्षा हो गई है और इसके बाद में नवंबर में लेखपाल भर्ती की परीक्षा होने वाली है। और लेखपाल में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण प्रवेश यानी ग्राम समाज एवं विकास। और आप सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं, सर ग्राम समाज एवं विकास की कौन सी बेस्ट बुक आती है, कौन सी बुक लूँ। दोस्तों एक बहुत अच्छी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, जिसका कवर पेज मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये राजेश लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, इन सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर संकलन इसका किया गया है। और 1100 प्लस गत वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है, दो शॉर्ट पेपर भी दिया गया है। इस बुक का नाम है चक्षु पब्लिकेशन की, ये बुक है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी। ये इसका इंडेक्स रहने वाला है, इसमें सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ग्राम समाज एवं विकास में, वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ इनकी राजेश लेखपाल की प्रैक्टिस बुक और गाइड बुक भी आती है, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये सारी बुक्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जितने भी छात्र यूपी बीएड 2021 में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, 17 तारीख से आप सभी को बताएं कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 4 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद से आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड का। और आप सभी को पता है कि जो काउंसलिंग टाइम में जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वो काउंसलिंग नहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही लग जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए। और केवल दो डॉक्यूमेंट की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी केवल, और कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे उनके लिए दो डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं और जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पहले कमेंट आए थे जिसमें कुछ छात्र पूछ रहे थे। बैंक डिटेल को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी इसकी मत करो दोस्तों। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका फीस रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपको एक पूरी फुल ट्यूटोरियल अपलोड करने वाला हूं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप घर बैठे चाहे तो अपने मोबाइल से या फिर साइबर कैफे वाले से जाकर आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और क्या क्या चीज चाहिए उसमें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट है आपको किसी भी चीज को लेकर, या इस वीडियो के बाद में कोई डाउट निकल के आता है, तो हम उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए वहां मुझे फॉलो कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो आपको यूपी बीएड को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, एडमिशन को लेकर, रैंक को लेकर, कुछ भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, आगे भी आपको अपडेट करता रहूंगा और आप मुझसे अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर और पूरी अपडेट आपको देता हूं यहां। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग टाइम में जब काउंसलिंग होगी उस टाइम आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो भी दो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए जिन्होंने अपेयरिंग फॉर्म अप्लाई किया था, यानी ग्रेजुएशन उनका इसी साल था, रिजल्ट अभी आया है, ठीक है, फॉर्म एग्जाम देने के बाद आया है, फाइनल ईयर का एग्जाम अभी हुआ है इसी साल, उनको दो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है इंटरनेट कॉपी यानी कि रिजल्ट का मार्कशीट या हो तो बेटर है, मार्कशीट तो मुझे नहीं लगता कि अभी मिला होगा, अभी तो रिजल्ट ही आया है, तो रिजल्ट की फोटो कॉपी, वो भी कॉलेज के जो यहाँ पर डीन होते हैं, डीन या फिर प्रधानाचार्य से साइन कराना है उस कॉपी पर, उसके बाद उसको अपलोड करनी है, ठीक है। और जिन्होंने फाइनल पहले कर रखा था फाइनल ईयर, उनको केवल और केवल बैंक डिटेल, जी हाँ, बैंक का पासबुक एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा फीस रिफंड के लिए, और कुछ भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या काउंसलिंग के टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। मैंने आपको बता दिया कि जो फाइनल ईयर वाले थे इस बार, उनको उनकी इंटरनेट रिजल्ट का इंटरनेट कॉपी भी अपलोड करना होगा साइन कराकर, और बैंक डिटेल, और जिनका फाइनल ईयर पहले हो चुका है उनको केवल बैंक डिटेल सबमिट करना है, अपना पासबुक सबमिट करना है। अब यहां पर जो बदलाव है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो बैंक डिटेल को लेकर है दोस्तों, ठीक है, तो वो आपको ऑफिशियली बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर देखिए, जो बैंक डिटेल डाला जाएगा और उसका पासबुक भी आपको स्कैन करा के अपलोड करना होगा, वो वेरीफाई होगा। अगर आपको इनकेस जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, जितने मान लो आपने 10 कॉलेज का लिस्ट, 10 कॉलेज नाम दिया 10 कॉलेज काउंसलिंग में, और आपको उस 10 कॉलेज में एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो उस केस में आपका जो ₹5,000 है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाता है, इसीलिए बैंक डिटेल लिया जाता है, ठीक है। तो बैंक डिटेल अगर गलत रहेगा तो भाई पैसा नहीं आएगा आपका। और गलत क्यों हो जाएगा, वहां यहां पर देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर मेरा अकाउंट नहीं है या मेरा अकाउंट ठीक नहीं है, कोई दिक्कत है, बंद हो गया है, बीच में आ गया था ना आधार कार्ड पैन कार्ड KYC वगैरह कराने का, तो बोल लो का होल्ड हो चुका है अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अगर मैं
अपने भाई का लगा दूं, बहन का लगा दूं, ठीक है किसी दोस्त का लगा दूं, मम्मी पापा का लगा दूं, तो क्या रिफंड आ जाएगा? तो भाई गलती मत करना। क्या यहाँ पर देख लो, पहली चीज़ देख लो, यहाँ पर मैं आपको खुद दिखा दे रहा, ये देखिए ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है 1.22 पॉइंट पर, देख सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस इफ एनी। देखो यह खाता अभ्यर्थी या उसके माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए। जी हाँ, आपका अगर नहीं है तो आपके मम्मी पापा का, मम्मी या पापा का अकाउंट लगाएं, भाई बहन या अदर किसी का मत लगाएं, वरना रिफंड नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये चीज नहीं बताऊंगा आप सबको, तो भाई आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो अपने भाई या भाई बड़े भाई या बहन का डाल देंगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, वरना आपका 5-6 रुपए भाई नहीं आएगा अगर कॉलेज अलॉट नहीं होगा, जो रिफंड होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है। वरना यहां पर यह भी लिखा जा सकता था कि आपका या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य का बैंक डिटेल हो, क्योंकि यह चीज नहीं लिखा गया। और साफ साफ जब मेंशन किया गया है कि खाता या तो अभ्यर्थी का और या तो उनके माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए बैंक डिटेल, और किसी का भी नहीं होना चाहिए, वरना वेरीफाई नहीं होगा और वो आपका, क्योंकि देखिए वेरीफाई कहां से करते हैं, मेरी बात सुनिए, क्यों भाई बहन का वेरीफाई नहीं होता? जैसे मान लो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जैसे आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट वगैरह अपलोड किया है, या फिर जब फॉर्म फिलअप किया तो अपना मम्मी का और अपने पापा का नाम डाला है फॉर्म में, पूछा जाता है मदर नेम फादर नेम, और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी मदर नेम फादर नेम मिल जाएगा, तो वहां से वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये बैंक डिटेल इनके मम्मी का इनके पापा का, तो उनको दे देंगे। लेकिन भाई बहन का नहीं वेरीफाई हो पाएगा, क्योंकि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या फॉर्म भरा है तो पर भाई बहन का नाम नहीं पूछा गया है, उनकी आईडी कार्ड या कहीं मार्कशीट में भाई बहन का नाम नहीं होता है ना, इसलिए वो वेरीफाई नहीं करेंगे उसको और वो सही ट्रांसफर नहीं करेंगे पैसा। तो इन केस ये भी एक रीजन होता है कि वो लोग खुद का ना लगाकर भाई बहन का लगा देते हैं इसलिए, या किसी और का लगा देते हैं इसलिए भी रिफंड नहीं मिलता है। फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि सर रिफंड नहीं आया अभी तक, तो इस चीज का ध्यान रखना, साफ तौर पर यहां पर बताया गया है, इसका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और भाई डॉक्यूमेंट्स बहुत बार आप लोग पूछते हैं, भाई टेंशन मत लो, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है, केवल मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, देखिए समझिए। अगर आपने इस बार फाइनल ईयर किया है, आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कितने लोग ने अभी इस बार फाइनल किया, किसका पहले से ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, ठीक है, एक बार कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा कितने सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है ग्रेजुएशन का। तो भाई जिन्होंने इस बार ग्रेजुएशन का फाइनल का एग्जाम दिया है, जिनका रिजल्ट अभी आया है इसी साल में, उनको केवल अपने रिजल्ट की इंटरनेट कॉपी निकालना है, डाउनलोड करना है और अपने अपने कॉलेज में उसको अटेस्ट करा लेना है, साइन करा लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना है और एक बैंक डिटेल देना है। तो ऐसे जितने लोग अपेयरिंग थे उनको दो डॉक्यूमेंट, यानी बैंक पासबुक डिटेल या तो खुद का है तो मम्मी पापा का, और रिजल्ट का फोटोकॉपी अपलोड करना है, ठीक है। और जिनका फाइनल पहले हो चुका है उनको मार्कशीट वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल बैंक डिटेल सबमिट करना है, बस आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको आपको कॉलेज में जब जाएंगे, मान लो आपका कोई कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में जब जाओगे तब बाकी चीजें आय जात निवास ठीक है TC, PC ये सारी चीजें जो है ये वहां पर मांगी जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, ये बहुत बड़ा चीज़ थी भाई, अगर गलती कर दोगे भाई तो पैसा नहीं आएगा। फिर आप लोग हमें कहेंगे सर आपने बताया नहीं था कि आपने बोला मम्मी पापा का या किसी का भी हो, तो नहीं है, केवल मम्मी पापा का हो सकता है या आपका हो सकता है, और बेटर रहेगा, मोर देन बेटर रहेगा कि अगर आप खुद का लगाओ। मुझे लगता है जहाँ तक सबका बैंक डिटेल होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप मम्मी पापा का नहीं खुद का ही लगाना, अगर इन केस कोई दिक्कत है तो आप मम्मी पापा का लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू सो मच।